यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को खेल जगत से लगातार झटके मिल रहे हैं, साथ ही अपने देश के लोगों से भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। रूसी टेनिस स्टार आंद्रे रुबलेव, दनील मेदवेदेव, फुटबॉलर फेदोर स्मोलेव ने यूक्रेन पर हो रहे हमले का विरोध किया है और शांति की अपील की है। अब इस फेहरिस्त में एक नया नाम अलेक्सी मिरांचुक का भी जुड़ गया है। मिरांचुक रूस के फुटबॉलर हैं, इटालियन क्लब अटलांटा के लिए खेलते हैं। बीते मंगलवार 1 मार्च को इटली की लीग सेरी आ में अटलांटा और सैंपदोरिया के बीच मुकाबला खेला गया। अटलांटा ने सैंपदोरिया को 4-0 के अंतर से मात दी। मुकाबले का आखिरी गोल मिरांचुक ने 86वें मिनट में दागा। रूसी फुटबॉलर ने 4 डिफेंडर्स को छकाते हुए एक बेहतरीन गोल किया, लेकिन इसे सेलिब्रेट नहीं किया। बता दें कि अटलांटा टीम में मिरांचुक के साथ ही यूक्रेन के रुस्लान मलिनोवस्की भी हैं। 24 फरवरी को यूरोपा लीग के मैच में ओलंपियाकोस के खिलाफ गोल दागने के बाद रुस्लान ने जर्सी उतारकर सेलिब्रेट किया था। जर्सी के नीचे रुस्लान ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था वॉर इन यूक्रेन। रूसी और यूक्रेनी खिलाड़ियों के बीच रिश्ते पर अटलांटा के मिडफील्डर मार्टिन डरून ने कहा, हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रुस्लान के लिए यह वक्त काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनकी फैमिली और उनका शहर खतरे में है, लेकिन मिरांचुक और रुस्लान हमेशा साथ रहते हैं, बातें करते हैं, दोनों में गहरी दोस्ती है। बताते चलें कि खेल जगत ने रूस की हरकतों पर कड़ा रुख अपना रखा है। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूईएफए ने भी रूस पर बैन लगाया है। फीफा और यूईएफए ने एक साझा बयान में कहा था, फीफा और यूईएफए ने आज एक साथ मिलकर फैसला किया है कि सभी रशियन टीम्स, फिर चाहे वो नेशनल हो या क्लब, अगले आदेश तक फीफा और यूईएफए कंपटीशन से सस्पेंड की जाती हैं। यह फैसले ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल और द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ यूईएफए, यानी ऐसे अर्जेंट मुद्दों पर फैसले लेने वाली दोनों संस्थाओं के सबसे हाईएस्ट बॉडी ने लिए। यहाँ फुटबॉल पूरी तरह से एकमत और यूक्रेन के प्रभावित लोगों के साथ है। दोनों यानी फीफा और यूईएफए के प्रेसिडेंट्स को उम्मीद है कि यूक्रेन के हालात तेजी से और महत्वपूर्ण तरीके से सुधरेंगे और फुटबॉल एक बार फिर से लोगों में शांति फैलाने का जरिया बनेगा। इस मसले पर अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप ललन टॉप स्पोर्ट्स पर पड़ा हमारा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी रूस के सभी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेने से रोक दिया है। इसका मतलब ये भी है कि जुलाई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में रशियन खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उधर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूस और बेलारूस, जो कि इस युद्ध में रूस का सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाड़ियों पर सभी टूर्नामेंट्स में भाग लेने पर बैन लगाया है। जबकि इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन कर दिया है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी अविनाश ने, इसे शूट किया था विजय ने। शुक्रिया।